आपका जो नया कोड बना है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं। बिल्कुल 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 नहीं है इसमें सूरज जी कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आदिवासी कभी हिंदू ना था न है, ये प्राकृतिक पूजक हैं। हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति, हमारा हर कुछ इनसे बिल्कुल अलग कस्टमरी व्यवस्था है और यही वजह से हम आदिवासी में काउंट होते हैं, इंडिजिनस पीपल में काउंट होते हैं। और मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत, हमारे या पूर्वज हो या हम लोग हैं, अभी भी उस जगह को नहीं पकड़ पाए हैं जहां हम इन प्रोपोगेंडा को ये कर पाए। हालांकि इस मामले में अगर ट्राइबल ये में अगर हम देखें जो हमारे राज्य में है, जितने भी डिफरेंट टाइप, लगभग 32 टाइप्स के ट्राइबल हमारे देश में है और हमारे राज्य के अंदर लगभग 9-10 ट्राइबल लोगों का ये अलग अलग समूह है। इसमें जो संथाल ट्राइबल है ये एक थोड़ा सा एक्टिव होकर के, जैसे अपनी लिटरेचर को इन्होंने अपनी 8वीं अनुसूची में दर्ज कराया, उसको यूएन कोड भी अवेलेबल है, लेकिन अभी उसको लेकर के भी राज्य के अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं बन पाया कि ये लैंग्वेज, ये कस्टम, ये ट्राइबलों का ये सिस्टम आगे बढ़ पाए। लेकिन अदर स्टेट में अगर हम देखेंगे, बंगाल में, उड़ीसा में, तो ये इन लोगों के लिए एक अच्छी व्यवस्था थोड़ी सरकार ने की है। अभी हम उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर हैं, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी स्टार्ट करने का एक प्रोग्राम बनाया।